हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम अमरदीप गोयल। मैं आज हमारे साथ XUV 300 W8 वेरिएंट 2021 मॉडल 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल। तो गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिलता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। आप देख ही सकते हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे हमें टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है गाड़ी के अंदर, LED लाइट्स के साथ मिल जाता है। हमें टैकोमीटर में गाइस 5000 RPM तक मार्किंग मिल जाती है, एक्सटेंड होकर 8000 RPM मिल जाता है, 220 तक किसके अंदर स्पीड मिल जाती है स्पीडोमीटर के अंदर। और एक छोटी सी डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाती है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर है, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हमें इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ यहाँ पे हमें 3 बटन मिल जाता है, एक सेट का मिल जाता है, ट्रिप का मिल जाता है, स्टीयरिंग मोड्स का बटन मिल जाता है। तो गाइस सारे बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं बड़े सारे यहाँ पे वार्निंग वो मिल जाते हैं सिग्नल्स गाड़ी के अंदर, ऐसे सेंट्रल पैनल में, ऐसे स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर का देखते तो राइट साइड में यहाँ पे हमें इंडिकेटर का मिल जाता है, सॉरी इंडिकेटर नहीं, हैंड ब्रेक का मिल जाता है गाइस। ऐसे ही सीट बेल्ट का मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है फ्रंट सीट्स के लिए, दोनों के लिए W8 में। अगर हम ऑप्शनल में जाएंगे तो रियर सीट्स के लिए भी वार्निंग मिलती है, पर अभी W8 ऑप्शन वेरियंट के बारे में बात कर रहे थे, हमें इसमें फ्रंट के दोनों सीट्स के लिए वार्निंग मिल जाएगी सीट बेल्ट्स के लिए। ऐसे यहाँ पे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सारी वार्निंग्स बंद हो जाएंगी। अगर इनकेस गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कोई भी वार्निंग चालू रहती है, ऑन रहती है, यहाँ पे वार्निंग दिखती है, इन दैट मीन्स इस गाड़ी के अंदर कोई इशू है आपका। एक मैनुअल बुक मिलती है, उसके अंदर सारे लिखे हुए हैं इस वार्निंग का क्या क्या मतलब है। ऐसे में कुछ ज़्यादा ये वाला वार्निंग है, ये बैटरी के बारे में है, इस कोई ना कोई फ्यूल्स के बारे में है। हर वार्निंग का मतलब है, एक मैनुअल बुक है, कंपनी ने मैनुअल बुक में सब लिखा हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप लोग। गाड़ी है तो मैनुअल बुक मिल जाती है। मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ इंजन गाड़ी का। आप लोगों को देख ही रहे होंगे इंजन स्टार्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे टैकोमीटर में सारी वार्निंग हट गई, एक सीट बेल्ट की रह गई और एक हैंड ब्रेक हटा दिया, हैंड ब्रेक की भी हट गई। ऐसे सीट बेल्ट लगाएंगे तो सीट बेल्ट की वार्निंग हट जाएगी। आप स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन पे हमें टायर डायरेक्शन मिल जाती है, हम कितना डायरेक्शन में टायर मोड़ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे बटन मिल रहा था, मैं सारे बटन यूज़ करके दिखा दूंगा। तो कैसे कैसे हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए थे वो आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैं ऐसे हम क्लोज करते हैं, ऐसे दिखता है, गुड बाय आ जाता है, वेलकम साउंड के हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे आता है स्क्रीन, वेलकम साउंड के सीट बेल्ट की भी आती है हमें स्क्रीन पे, वेयर सीट बेल्ट हमें दिखाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हमने सीट बेल्ट नहीं पहने तो हमें दिख जाएगा हमें। ऐसे में स्क्रीन पे का बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइस इसका ना तो टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो ना बिल्कुल लो, इसका हमें 8 वो मिल जाते हैं मार्किंग, 8 लेवल की मिल जाती है। ऐसे में फ्यूल में मिल जाती है 8 लेवल की मार्किंग, तो मैं रिकमेंड करूँगा 3 या 4 लेवल हो तो मीडियम होना चाहिए, 50% तो ही बेटर है। ये आपका इंजन का होता है गाइस, इंजन का वो टेम्परेचर क्या है। अगर आप अपने गाड़ी इन केस ज़्यादा चला दी लंबा 100 किलोमीटर कंटिन्यू, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग गाड़ी को कहीं जरूर वेट कर, मतलब कहीं पे खड़े हो जाए, गाड़ी को रोक दे, वो कहीं 10-15 मिनट वेट कर ले ताकि इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसे ही आपके साथ हमें मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं फ्यूल के लिए सिग्नल, फ्यूल मिल जाता है, फ्यूल के लिए 8 लेवल मिलते हैं गाड़ी के अंदर हमें, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 8 लेवल। तो गाइस में हमें 42 लीटर से टैंक मिल जाता है, यहाँ पे हमें किलोमीटर से मिल जाते हैं हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर टोटल रन हो चुकी है। यहाँ पे हमें मिल जाता है डिस्टेंस टू MT कितना वो है किलोमीटर हमारी गाड़ी रेंज चल सकती है। यहाँ पे हमें टाइम मिल जाता है हमारा क्या टाइम हो रहा है, ऐसे टेम्परेचर मिल जाता है, ये हमें फ्यूल इकोनॉमी बताता है हमारा एवरेज क्या दे रही है किलोमीटर पर लीटर। मैं आपको और फीचर्स दिखा देता हूँ गाइस। हमें यहाँ पे ट्रिप और सेट का बटन मिलता है, स्टीयरिंग मोड मिलता है। पहले मैं स्टीयरिंग मोड दिखा देता हूँ, अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड में चली जाएगी। स्पोर्ट्स मोड का मतलब होगा गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पोर्ट्स मोड का मतलब अगर हम लोग हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं 100 किलोमीटर के 100, तो गाइस मैं हमें जो बटन्स मिलते हैं हमें स्टीयरिंग मोड्स के बटन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बटन प्रेस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, यहाँ पे एक कम्फर्ट मिल जाता है, एक नॉर्मल मिल जाता है। नॉर्मल में देखेंगे तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँगा ये चीज़ बेटर रहेगा गाइस, स्टीयरिंग तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल मोड है, स्टीयरिंग देख सकते गाइस बिल्कुल ही कितने स्मूथली हो रहा है मूव। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल हो गया था, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड लगा दम लग रहा है, टाइट हो गया स्टीयरिंग। इसका मतलब मैं बता देता हूँ गाइस आपको, मैं अगर हम लोग गाइस
हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे हमारी गाड़ी इफ इनकेस 100 की स्पीड पे 80 की स्पीड से ऊपर हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्पोर्ट्स मोड पे चलाएं। ये हमारे इंजन का कुछ नहीं होता है, ड्राइविंग कुछ नहीं होता है, ये हमारा स्टीयरिंग मोड्स होते हैं, इंजन पे कुछ इफेक्ट नहीं आता, इससे तो हमारा स्टीयरिंग पे आता है, हमारा स्टीयरिंग टाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो स्पोर्ट्स मोड चलाए तो हमें स्पोर्ट्स मोड हमें 80 से अबव जो स्पीड होती है उस पर बेटर रहेगा स्पोर्ट्स मोड। और नॉर्मल जो हम सिटी में गाड़ी चलाते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में, उसके लिए मैं कहूँगा नॉर्मल या कम्फर्ट, कम्फर्ट सबसे बेस्ट रहेगा। उसके लिए मैं अभी और ऑप्शन दिखा दूँगा सबको इसके अंदर। यह स्पीड का मिल रहा था गाइस, अभी हमारी कितनी स्पीड चल रही है गाड़ी की, कितनी स्पीड हम गाड़ी चला रहे हैं वो दिख जाता है यहाँ पे। गाड़ी का टेम्परेचर गाइस यहाँ पे मिल रहा था ऑप्शन, हम इसको अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे सेट वाला बटन को, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग एंटर, तो सेट वाला बटन लॉन्ग एंटर करना है। यहाँ पे हमें फीचर दिखता है, कलर सेटिंग के फीचर मिल रहा था गाइस, ट्रिपल गाइस में क्या होता है हमें फटाफट करना होता है, अदरवाइज इसका एक दो सेकंड का टाइम होता है, स्क्रीन बंद हो जाती है। मैं गाइस मैं ये दिखा देता हूँ, सबसे पहले हमें ड्राइविंग टाइम मिल जाता है, ट्रिप ए कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी ट्रिप सेट करता है, दो ट्रिप मिलते हैं इसमें, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऐसे इसमें एवरेज स्पीड का मिल जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रिप बी डिस्टेंस टू एमटी, ये किलोमीटर में कितना डिग्री सेल्सियस हमारा, ये लॉन्ग एंटर गाइस सेट ट्रिप करेंगे। यहाँ पे कलर सेटिंग के लिए ट्रिप का ब्राइटनेस मिल जाता है, ओवर स्पीड फ्लैश मिल जाता है, वेलकम साउंड मिल जाती है, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से एग्जिट का बटन, तो गाइस में भी सेट का बटन दबाएंगे। हमें डे के लिए कलर मिल जाता है, हम कलर सेट कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी, डे और नाइट कलर अलग है, बैक का ऑप्शन मिल जाता है, मैं दिखा दूँगा इस, हमें रेड कलर का मिल लगा आप लोग देख सकते हैं, येलो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, स्काई ब्लू मिल जाएगा इसमें, हमें कलर ऑप्शन मिल जाएंगे ऐसे, ब्लू मिल जाएगा इसके अंदर, हमें कलर ऑफ करना तो ऑफ भी हो जाएगा गाइस, वाइट ऐसे गाइस, हमें नाइट कलर कलर सेट कर सकते हैं यहाँ पे, सेम वही मेथड है। इसके अलावा गाइस हमें सेट करने के लिए ट्रिप बटन दबाना पड़ेगा, बैक जाने के लिए हमें ट्रिप साइड सॉरी गाइस बैक जाने के लिए ट्रिप सेट करने के लिए सेट का बटन, मैं स्काई ब्लू सेट कर देता हूँ। यहाँ बैक जाते हैं, बैक के लिए गाइस हमें यहाँ पे ब्राइटनेस पा रहे थे गाइस एक बार हम लोग, तो गाइस गाड़ी की ब्राइटनेस में हमें ब्राइटनेस मिल जाती है, हम बैक नहीं जाते हैं, ऐसे हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, हमें कितनी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं गाइस, ब्राइटनेस कम हो रही है आप लोग देख ही सकते हैं। बैक चले जाते हैं गाइस, सेट का बटन दबा के ओवर स्पीड फ्लैश बता देता हूँ गाइस में, हमें मैं रिकमेंड करूँगा उसको ऑन रखे, महिंद्रा ने बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर दिया है इसके अंदर। अगर इफ इन केस हम लोग गाइस हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं फ्लाईओवर पे, अगर हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ी चल रही है हमारी स्पीड में, तो यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है ना सर्कल, LED सर्कल सेंटर में, ये फ्लैश करेगा, ब्लिंक करेगा 80 किलोमीटर से ऊपर स्पीड पे जाने में गाड़ी, तो ये फ्लैश करेगा कि वार्निंग देगा कि गाड़ी स्पीड में, तो कंट्रोल कर लो। अगर गाइस हमारी गाड़ी 100 या 120 से ऊपर जाती है इन केस, तो ये वार्निंग साउंड भी करेगा, गाड़ी फ्लैश तो करेगा ही, ये वार्निंग में साउंड भी वो करेगा, अजीब सी साउंड करेगा, उससे हमें वार्निंग देगा ये गाड़ी स्पीड में, तो हमें कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी फीचर के वाइज महिंद्रा ने बहुत बढ़िया फीचर दिया इसके अंदर। मैं और फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ये मैंने बता दिया डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको, इसके लॉन्ग एंटर करेंगे क्लस्टर सेटिंग के लिए, ऐसे हमें वेलकम साउंड मिल जाती है गाइस, वेलकम साउंड में हम ऑन करेंगे तो बेटर रहता है, वो बेटर की बात नहीं है हमारी चॉइस के ऊपर है, हम गाड़ी से स्टार्ट करते हैं तो साउंड मैं दिखा देता हूँ वेलकम साउंड वाला का फीचर, अभी एक साउंड आ रही है गुड बाय, आपने साउंड देखा होगा, अब मैंने स्टार्ट करा है, यही वेलकम साउंड है, सीट बेल्ट के लिए वार्निंग देता है। तो गाइस आपने अगर इतना वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।